व्हाट्सअप एवरी वन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और साकिब भाई, आप भी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया हो। तो यार, हम आए हैं जयपुर, और अगर आप जयपुर में आके एक अच्छा और बेटर स्टे चाहते हो, और एक ऐसा स्टे चाहते हो, स्पेशली मैं ये चीज़ स्पेशली मेंशन करूँगा, एक ऐसा स्टे चाहते हो जो आपको बार बार, अगर आप अपने रूम में बैठे हो, आप अपनी लॉबी में बैठे हो, आप टेरेस में बैठे हो, तो वो आपको फील दिलाए, आपको बार बार याद दिलाए कि हाँ, आप जयपुर आए हो, आप राजस्थान आए हो। तो यार, हम जिस प्रॉपर्टी में रुके हैं वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी ही है, नाहर सिंह हवेली। हाँ, ये जयपुर में सिंधी कैंप से सिर्फ 900 मीटर दूर है। तो अभी मैं चलता हूँ, अभी रात का टाइम है और रात में वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब जो उसकी जो लाइटिंग है, जो सारी अंदर की वाइब है ना, वो बहुत निखर के आ रही है रात के समय पे। देरी ना करते हुए चलते हैं और आपको पूरी है ना लोकेशन, पूरी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो चलो, तो यार ये थर्ड फ्लोर है और यहाँ पे हमारा रूम है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल पेंटिंग वगैरह हर जगह हो रखी है। और ये इस चीज़ को है ना यार, ये जो एम्ब्रॉयडरी कहेंगे या इसे, या फिर वॉल पेंटिंग कहेंगे, आई डोंट नो, आप मुझे बता देना, बट ये इस चीज़ को है ना बहुत ज़्यादा एनहेंस कर दे रही है। और आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे हर फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा है, और साथ में पार्किंग भी अवेलेबल है। इसके बाद यार चलते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे मेरा रूम है, थर्ड मेरा रूम है यहाँ पे। और अगर जैसे ही यहाँ से अंदर घुसेंगे, सबसे पहले यार ये झरोका, उसके बाद ये लाइट्स देखो यार। आपको ऐसा लगेगा आप कितने सही जगह पे रह रहे हो, आप किसी महल में रह रहे हो। देखना यार, इस लाइट से जो ये इफेक्ट क्रिएट हो रहा है ना भाई वॉल्स पे, ये जो लाइट से शेडो बन रही है वॉल पे, ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और हर जगह है ना ऐसी छोटी छोटी पेंटिंग्स लगा रखी हैं। इसके अलावा जैसे ये भी एक, और इसके अलावा ये है हमारा रूम। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद चलते हैं अंदर। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ अपना बाथरूम भाई। सी, अच्छा खासा क्लीन है। और सबसे ज़्यादा मेरे को पर्सनली क्या लगता है यार, कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ ना, वॉशरूम सबसे ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। रूम्स के साथ एक बार को कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, बट वॉशरूम तो डेफिनेटली नहीं। तो ये था हमारा कुछ वॉशरूम। और भाई अब देखो, के बाद ये देखो यार, ये पता है, ये लुक देने के लिए, थोड़ा रॉयल फील कराने के लिए अपने कस्टमर को, इन्होंने हर जगह ये चीज़ें ऐड कर रखी हैं। इसको पूरा जो होता है ना, अगर नाहर सिंह हवेली इसका नाम है, तो इसको पूरा उस तरीके से बनाया है। कर्टेंस वगैरह आप देखोगे एकदम मैचिंग, सारी चीज़ें एकदम थीम के साथ जा रही हैं। ऑल दो अभी तो अंधेरा है, कुछ दिखेगा नहीं, आपको दिखाता हूँ। बाकी आपको एक अलमीरा दी जाएगी, एक टेबल भी आप देखोगे नॉर्मल है ना, वैसे ही नहीं है जो ऐसे टेबल उबल डाल देते हैं, प्रॉपर वुडन का काम हो रखा है हर चीज़ में। अभी ये चीज़ें इग्नोर करना है, ये थोड़ा सा हमारा सामान है, हमने फैला रखा है। और साकिब प्लीज़ ये वाली लाइट बंद कर दे, बड़ी वाली, मैं वही बोलने वाला था कि यहाँ। और ये देखो छोटी पेंटिंग यहाँ पे भी है। सी, अब एक बार इस कमरे का लुक देखो भाई, इतना सही लग रहा है ना भाई। जो भी लैंप से जो ड्रामेटिक लाइट जो निकल रही है ना, उसके जिस तरह वो डिजाइन की गई है, तो वो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो वाइब्स आ रही है ना ओवरऑल, इसका फर्नीचर की फिनिशिंग वगैरह, वो पूरा एक सब चीज है ना, ऐसा ही लग रहा कुछ भी अलग है, सब एक, हाँ एक मेंटेन्ड है, और वाइब्स बहुत अच्छी है, और सब मैचिंग के साथ इन्होंने यूज किया, क्योंकि नाम जो दिया है हवेली, तो उसके अकॉर्डिंग फर्नीचर यूज्ड है, उसके अकॉर्डिंग पूरा पेंट, वॉल पेंट और सारी पेंटिंग्स वगैरह यूज्ड है, तो वो बहुत अच्छा है। मतलब प्रॉपर आपको हवेली वाला फील आने वाला है। क्वालिटी, फर्नीचर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जो लैंप्स लगाए हैं, ये बहुत बिल्कुल जैसे पहले लगा करते थे। इट रियली फील्स लाइक वी आर बैक इन लाइक 300 ईयर्स अगो, और लाइक 100 ईयर्स अगो।
जब पहले लोग ऐसे रहे। ये है ना, ऊपर की तरफ इतना लाइट दे रही है, ये रूम में अंधेरा नहीं होने दे रही। नीचे इस तरह का इफेक्ट है, ये आपके आंखों को, अगर आप यहाँ बैठ के कुछ काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये उसको भी अफेक्ट नहीं होने देगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा हार्श लाइट आपके ऊपर आ रही है, और ऐसा भी नहीं लगेगा आपको अंधेरा हो रहा है कमरे में। इतनी तारीफ हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम खुश बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ से इस प्रॉपर्टी की, पूरे जयपुर अटैकर की प्रॉपर्टी है। सीरियसली हमारा, अगर हमें घूमना ना हो ना, मैं पूरे दिन इस होटल में रह सकता हूँ, मेरे को इतना सही फील आ रहा है इससे। अगर आप आओ तो मतलब आपको तो यहाँ पे स्टे करना। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टेरेस, और ये देखो यार, ये तो मैं भूल ही नहीं पा रहा है, इतना सही लग रहा है ना मुझे। तो ये बिस्तर लगा ले। और शर्मा जी कैसा लग रहा है इतनी रॉयल फील लेके? मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यार सच में, मुझे सच में लग रहा है कि मैं एक महाराजा हूँ, एक हवेली में भी मेरी हवेली है। महाराजा जैसे हालत तो नहीं है तुम्हारी, पेट देखो। अरे अरे तो थर्ड फ्लोर है ना यहाँ पे, तो किचन वगैरह है इस साइड में, तो इसलिए भी जला देता हूँ। हाँ थोड़ी सी लाइट जला दी। यहाँ पे थोड़ा कम है क्योंकि किचन वगैरह है यहाँ पे, किचन वगैरह में काम होता है सारा कुछ। और किचन में एंट्री नहीं है, अदरवाइज में किचन भी आपको दिखाता, आपको भी लेके चलते सीधा टेरेस पे। यहाँ पे अभी इसलिए काम नहीं क्योंकि यहाँ पे किचन एरिया ही है सर। भाई ये टेरेस जो कि बहुत ही अलग है, आप देख ही सकते हो, मतलब ड्रीम प्लेस काइंड ऑफ, कि यहाँ पे यू कैन हैव योर डिनर। और लंच में तो मज़ा नहीं आएगा, बट डिनर यू विल एंजॉय, क्योंकि हमने यहीं पे खाया है। इसकी मैंने रील्स बनाई है जो कि इंडियन यात्री पे दिखने वाली है। तूने अपनी बनाई है, मैंने तेरी अच्छी बनाई है। क्या ठीक है, यहाँ पे जो ये जगह है ना यार, सबसे पहली चीज ये झरोके कहोगे इसे जो भी कहोगे, ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छी वाइब बना रहे हैं, बहुत अच्छी वाइब क्रिएट कर रहे हैं एक बंदे के लिए। सेकेंडली आपके लिए दो ऑप्शन है, आप या तो नॉर्मली अगर टेबल चेयर पे बैठ के खाना चाहें तो उसका ऑप्शन भी है, या फिर जो मैंने किया है, मैंने ट्रस्ट मी भाई, मैं राजस्थान आया हूँ, जयपुर आया हूँ, तो मैं पूरी वाइब लेके जाने वाला हूँ। तो भाई मैंने यहाँ बैठ के अपने डिनर किया है। देखो कि यार प्रॉपर झरोका टाइप का बना रखा है, तीन झरोके हैं जिसके अंदर आप दो बंदे एक साथ बैठ के खा सकते हैं, यानी छह लोग आराम से बैठ के यहाँ पे डिनर कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी यहाँ पे जो वाइब आई थी यार डिनर करके, वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वेदर भी तो कितना अच्छा है यहाँ पे इस टाइम पे, मौसम इतना सही हो रहा है, मतलब ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, और आपको अगर आओगे तो आपको अच्छा लगेगा। और इस प्रॉपर्टी को यार मैंने स्पेशली ये वीडियो इतनी अलग सी क्यों बनाई, क्योंकि मैंने और भी होटल चेक किए थे यहाँ पे आके, कम से कम आधा पौना घंटा एक घंटा में होटल्स देखे हमने, उसके बाद जाके मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद आई, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में मुझे वो सारी चीजें चाहिए थी। मैं घर से सोच के आया था कि अगर मैं वहां जा रहा हूँ ना जयपुर, तो मुझे एक ऐसी जगह पे रुकना है जो मुझे वाइब दे कि हाँ मैं राजस्थान आया हूँ, मैं जयपुर आया हूँ, जो मुझे बार बार याद दिलाए। और ये प्लेस जब मैं घुसा ना इस प्लेस के अंदर, तब मुझे लगा कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी है। और मैंने एक सेकंड नहीं लगाया इसे फाइनल करने में, लगा भाई। और अगर मैं इसका प्राइस आपको बताऊंगा तो ट्रस्ट में आप कहोगे यार कितना सही प्रॉपर्टी है उस प्राइस में। मैं प्राइस अभी आपको रिवील करूंगा थोड़ी देर में। चलते हैं अपने रूम में, उसके बाद मैं आपको प्राइस वगैरह सारी चीज़ें बताता हूँ, और मैंने कैसे बुक किया है, किस तरीके से बुक किया है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं अपने फ्लोर पे, रूम में चलते हैं, उसके बाद में बात सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं अच्छे से। कि मैंने आपको पूरी प्रॉपर्टी का टूर दे दिया, मुझे पर्सनली ये होटल बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। अगर आप जयपुर आ रहे हो ना, तो मैं ट्रस्ट में बोलूँगा कि आप कहीं और मत रुकना, यहाँ रुकना, आपको पूरा वाइब आएगी, आपको पूरी फील आएगी कि आप जयपुर आए हो, आप राजस्थान में आए हो। बाकी यार अगर मैं एक बार रेट बता दूँ इसके होटल के ना, तो आप ट्रस्ट में आप पक्का ही आओगे। तो यार हमने ये एक दिन के लिए होटल लिया है, जो मैंने सैटरडे चेक इन किया था, और संडे सुबह 12 बजे तक के लिए, दोपहर 12 बजे तक के लिए मेरा ये होटल है। उसके लिए मैंने इन्हें पे किए हैं 800 रुपीज़ फॉर टू पीपल। अगर आप देखोगे तो 400 रुपये पर पर्सन बढ़ गया, तो 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ये होटल, मतलब मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा बेस्ट होटल है। मैंने इससे पहले काफ़ी सारे होटल देखे थे जयपुर में, अभी आके मतलब मैंने आधा पौना घंटा लगा के होटल से चेक किए थे, एक भी मेरे को पसंद नहीं आया था, और अगर जो पसंद आ रहा था उसके रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। बट ये होटल मेरे बजट में भी था, और इतने ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी थी, अच्छी वाइब के साथ, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप आओ तो डेफिनेटली आप एक बार यहाँ पे रुकना। तो यार फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।
ओवर एंड आउट।